हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम विक्रांत भारद्वाज, योर फिजिक्स ट्यूटर। और आज हम डिस्कस करेंगे बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नेक्स्ट टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, तो इसके दो केस बनेंगे बेटा, दोनों केस डिस्कस करेंगे। फर्स्टली तो हम डिस्कस करते हैं डेफिनेशन कि क्या होती है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। सिस्टम का मतलब क्या है बेटा, टू चार्ज सिस्टम हो सकता है, थ्री चार्ज सिस्टम हो सकता है, एन चार्ज सिस्टम हो सकता है। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का मतलब क्या है, उन चार्जों को देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन पे, उनकी रिस्पेक्टिव पोजिशन मिलाने में जो वर्क डन होगा, द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्ज टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो ये इसकी डेफिनेशन है बेटा, इट इज द टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस ऑफ ए सिस्टम टू देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। फर्स्टली वी डिस्कस टू चार्ज सिस्टम, वी कंसीडर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए टू चार्ज सिस्टम, तो यहां पे बेटा जो चार्ज है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इन्फिनिटी पे है। कहां है इन्फिनिटी? इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है, लार्ज सेपरेशन, सो दैट देयर इज नो इंट्रैक्शन बिटवीन देम। और इनको कहां लेके आना है, इनकी रिस्पेक्टिव पोजिशन पे लेके आना है। मीन्स चार्ज Q1 को इसकी रिस्पेक्टिव पोजिशन यहां लेके आना है और Q2 को यहां लेके आना है। तो इन दोनों चार्ज को लाने में जितना वर्क डन होगा वो इस टू चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होगी। लेट्स स्टार्ट, लेट अस कंसीडर W1 इज द वर्क डन। W1 क्या है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1 फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव पोजिशन। जब मैं फर्स्ट चार्ज को लेके आऊंगा बेटा, क्योंकि इससे पहले कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पे पोटेंशियल कितना था इस पॉइंट पे, अगर कोई चार्ज ही नहीं था, Q2 तो कहाँ था, इन्फिनिटी पे था, तो यहाँ पे पोटेंशियल जीरो। तो हमें पता है बेटा वर्क डिवाइड बाय चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। तो वर्क किसके इक्वल होता है, वर्क होता है चार्ज इनटू पोटेंशियल। वर्क डन का क्या फॉर्मूला है, चार्ज इनटू पोटेंशियल। पर इस पॉइंट पे वन पॉइंट लगा लीजिए, इसको हम टू पॉइंट लगा लेते हैं। वन पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, जीरो। पोटेंशियल अगर जीरो है तो टोटल वर्क डन कितना होगा, क्यू वन मल्टीप्लाई बाय पोटेंशियल जीरो, तो टोटल वर्क डन कितना आएगा, जीरो फर्स्ट चार्ज को लाने में। जब सेकंड चार्ज को हम लेके आए, उसका जो वर्क डन हुआ, इसको हमने W2 कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया बेटा, W2। अगेन वही फॉर्मूला, चार्ज क्या चार्ज लेके आए हो आप, Q2। कहाँ लेके आए हो, सेकंड पॉइंट पे। क्या सेकंड पॉइंट पे पोटेंशियल है, यस yes। अब इस चार्ज को जब हम लाए, ये चार्ज ऑलरेडी पहले से ही था यहाँ पे, तो इसके वजह से पोटेंशियल, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है बेटा वो मैंने कंसीडर किया R12। हाउ मच R12, तो पोटेंशियल कितना आ जाएगा इसका, 1/4πε0 Q1 की वजह से है और इनके बीच का सेपरेशन R12, ये पोटेंशियल है इस पॉइंट पे। तो पोटेंशियल की वैल्यू पुट की, 1/4πε0 Q1 की वजह से और इनके बीच का सेपरेशन R12। तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या आएगा, W1 प्लस W2 जीरो प्लस दिस वन, तो क्या आंसर आ जाएगा, यही आंसर आ जाएगा, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइड में R12। याद रखने के लिए बेटा 1 2 डिवाइड में भी क्या है, 1 2।
तो ये जो वर्क डन होता है दोनों चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ वो कहाँ चला गया, दिस वर्क, दिस टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये वर्क डन किसकी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। अब हम डिस्कस करेंगे बेटा एन चार्ज सिस्टम का केस। किसका चार्ज का केस करेंगे, एन चार्ज सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी सेकंड केस, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ एन चार्ज। एन चार्ज के लिए इक्वेशन बनाएंगे, तो 1-2 चार्ज का तो हमने कर ही लिया, ठीक है। Q1 चार्ज को, फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क डन अभी हमने देखा 0। सेकंड चार्ज को लाने में वर्क डन कितना हुआ था बेटा, 1/4πε0 Q1Q2/r12। सिमिलरली थर्ड चार्ज को लाने में कितना वर्क डन होगा, थर्ड चार्ज को इसका और डायग्राम से देखिए आप। मान लेते ये 0.1, ये 0.2, ये 0.3 है। लेट अस कंसीडर ये 0.3 है, ये इन्फिनिटी। तो 1 और 3 के बीच का सेपरेशन एंड 2 और 3 के बीच का सेपरेशन मैंने लिख लिया R13 एंड R23। 1 और 2 का तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये सेपरेशन 1-2 लिया था हमने लास्ट केस में, ठीक है। अब Q3 चार्ज को लेके आने में, किस चार्ज को लेके आने में, Q3 चार्ज को लेके आने में एट पॉइंट थ्री कितना वर्क डन होगा, W3 की बात कर रहा हूँ मैं। 1 और 2 की हम कर चुके। तो बेटा इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा वो इस Q1 चार्ज की वजह से भी होगा, क्योंकि Q1 आ चुका अपनी जगह पे, Q2 चार्ज की वजह से भी होगा, दोनों की वजह से पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल ऑन बोथ, तो इसकी वजह से कितना होगा, 1/4πε0 Q1/r13 इसकी वजह से पोटेंशियल। Q2 की वजह से जो पोटेंशियल होगा 1/4πε0 Q2/r23। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट पे टोटल पोटेंशियल ड्यू टू दीज टू चार्जेस मल्टीप्लाई बाय चार्ज। किस चार्ज को लेके आए हो आप, Q3 को। तो ये जो W3 आया इस बार 1/4πε0 Q1Q3/r13 1/4πε0 Q2Q3/r23। फिर वही बेटा 1-2 था, 1, 2, 1, 3, 13, 2, 3, 23। तो ये W3 चार्ज को लाने में वर्क हुआ, Q3 चार्ज को लाने में वर्क हुआ। एक और करते हैं, लेट अस कंसीडर फोर्थ चार्ज को लाने में कितना वर्क होगा, फोर्थ चार्ज को लाने में। तो यहाँ पे थर्ड चार्ज को लाने में था 1-2 ऑलरेडी प्रेजेंट थे, थर्ड चार्ज को हम लेके आए थे, तो पेयर क्या बने बेटा, पेयर बने 13 का एंड 23 का। तो अगर मैं कहता हूँ 1, 2, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है और फोर्थ चार्ज को आप लेके आ रहे हैं, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द Q4 एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। तो जब मैं फोर्थ चार्ज को लेके आ रहा हूँ तो थ्री चार्ज Q1, Q2, Q3 ऑलरेडी प्रेजेंट है बेटा, तो पेयर क्या बनेंगे, 1, 4 का बनेगा, 2, 4 का बनेगा, 3, 4 का बनेगा, ये पेयर बनेंगे। 1/4πε0 आप कॉमन भी ले सकते हैं, इनमें सभी में आएगा Q1Q4/r14 Q2Q4/r24 एंड सिमिलरली Q3Q4/r34। सभी को जब हम ऐड करेंगे तो कौन कौन से पेयर आएंगे बेटा, इधर से 12 आ गया, इधर से क्या आ गया 13 आ गया, 14 आ गया। ध्यान से देखिए 12 आया, 13 आया, 14 आ गया। जब हम इन सबको ज्वाइन करेंगे टोटल वर्क डन निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फोर चार्ज सिस्टम निकालेंगे, तो क्या आएगा 12, 13, 14। इधर से देखिए कितना आएगा, 23 आएगा, 23, ये 23 एंड 24। और क्या आया बेटा, 34 आया। सिर्फ ये टर्म्स मिली हमें फोर चार्ज को लाने में। तो इसको अगर मैं जनरल फॉर्मूले की फॉर्म में लिखता हूँ, लेट्स सी, तो कैसे लिखेंगे, अगर इसको बेटा मैं जनरल फॉर्मूले में लिखता हूँ, तो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन लिया Q j/r j k। आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक,
वन से लेके एन तक, और जे की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक, या आई और इसकी जगह ले लीजिए हम जे और के ले लीजिए। जे इज इक्वल टू वन टू एन एंड के इज इक्वल टू वन टू एन। तो यहाँ पे बेटा अगर मैं इस टाइप से लिखता हूँ, इसका मतलब तो क्या बनेगा, इसमें एक 11 का पेयर भी आना चाहिए। जब J1 लिया, K1 लिया, तो यहाँ पे 11 का पेयर आना चाहिए, पर रिजल्ट में नहीं आ रहा, 11 का पेयर नहीं आ रहा। जब मैं दोनों की वैल्यू 2-2 लूँगा तो 22 आना चाहिए, पर 22 नहीं आ रहा। 3-3 लूँगा 33 भी आएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, पर हमारे पास एक्चुअल में नहीं आ रहा 33, 44 नहीं आ रहा। तो हमने क्या किया इसको करेक्ट करने के लिए कि J इज़ नॉट इक्वल टू K, J इज नॉट इक्वल टू K। अब 11 नहीं आएगा, 22 नहीं आएगा, 33 नहीं आएगा, 44 नहीं आएगा, जो अपने पास एक्चुअल में आ भी नहीं रहे हैं। कुछ करेक्शन हुई इसमें। अब इसमें क्या प्रॉब्लम थी, मान लेते हैं जे वन है और के टू है, मीन्स 12 आ गया। क्या कहा मैंने, जे वन और के टू, और इसका रिवर्स जे टू है और के वन है, तो 21 आ गया। पर हमने यहाँ पे क्या ऑब्जर्व किया बेटा, अगर 12 आ गया तो 21 नहीं आया, 13 आ गया तो 31 नहीं आया, मीन्स दो चार्ज का सिर्फ एक ही पेयर बनेगा। 12 आ गया तो 21 गायब है, 13 आ गया तो 31 गायब है, 14 आ गया तो 41 नहीं आया। इज इट क्लियर, 34 आया, 43 नहीं आया, एक ही पेयर बनेगा। तो इसका मतलब तो क्या होगा, अपने तो डबल पेयर हो रहे हैं, 12 का भी एक बनेगा, 21 का भी बनेगा। तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या किया गया, इस सारे पेयर को हाफ कर दिया गया। क्या कर दिया गया, इस पेयर को 1/2 कर दिया गया। तो दो इसमें आपको ट्रिक बताई है मैंने, एक तो 1/2 यूज़ करना है और एक जे इज़ नॉट इक्वल टू के, ये यूज़ करना है बेटा। अब ये मैंने 4 चार्ज का निकाल के एन चार्ज का जनरल इक्वेशन लिख दी, किसकी इक्वेशन, जनरल इक्वेशन। जस्ट एक स्टेप और करेंगे, अगर मैं इसको किस फॉर्म में लिखता हूँ बेटा, इसको मैं लिखता हूँ पोटेंशियल की फॉर्म में। तो 1 सिग्मा जे इज इक्वल टू 1 टू एन क्यू जे, सिग्मा के इज इक्वल टू 1 टू एन एंड जे इज नॉट इक्वल टू के, 1/4πε0 क्यू के अपॉन आर जे के। जस्ट इसी को रीअरेंज किया है, देखो 1/2, ये दो समेशन है, दो ये सिग्मा जे और के लिए भी है, एक मैंने अलग निकाल लिया, एक अलग लिख लिया। ये एक्चुअल में क्या है, वी जे, और ये क्या है, क्यू जे। तो समेशन जेड इज इक्वल टू 1 टू एन और ये पावर हाफ, और यहाँ पे क्या है, तो ये हमने पोटेंशियल एनर्जी किस फॉर्म में लिखी बेटा। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है एक्चुअल में, पोटेंशियल एनर्जी होती है पोटेंशियल इनटू चार्ज। तो इस फॉर्म में भी आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है बेटा यहां तक। इसके अलावा ये जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी यूनिट क्या होती है, जूल। SI यूनिट इज जूल। एक और अनदर फेमस यूनिट है ईवी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी डील करते हैं, किसमें, ईवी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपस में क्या रिलेशन है बेटा, 1 ईवी का मतलब होता है, 1 ईवी वर्क एनर्जी, चार्ज कितना, 1.6×10⁻¹⁹ कूलम इलेक्ट्रॉन का चार्ज, कितने पोटेंशियल में रखा, 1 वोल्ट में रखा। तो कहने का मतलब कितना आ गया, 1.6×10⁻¹⁹ जूल। एक ईवी में इतने जूल होते हैं। अगर मैं कहता हूँ 1,000,000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1.6×10⁻¹⁹ जूल। इस तरह से हम कर लेंगे बेटा, ये हमें हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल में कन्वर्जन के लिए, ठीक है। यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, ये क्या है, किसी चार्ज की वजह से है, किसी अननोन चार्ज की वजह से है, और वो हमारा टॉपिक नहीं है इंटरेस्ट का कि वो कैसे है।
हमें एक ऐसा रीज़न दिया गया जहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी चार्ज की वजह से, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई कंसीडर कर लिया। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे टू केस, एक सिंगल चार्ज को लाने में कितनी वर्क डन होगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिंगल चार्ज सिस्टम, लास्ट केस में तो क्या था बेटा, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो वन चार्ज के केस में जो वर्क डन होता था वो जीरो होता था। इज इट क्लियर? क्यों जीरो होता था? क्योंकि पोटेंशियल नहीं था, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल नहीं था, फर्स्ट चार्ज था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं था। पर यहाँ पे क्या होगा बेटा, ऑलरेडी जब इस सिंगल चार्ज को भी हम लेके आते हैं, लेट अस कंसीडर Q1 चार्ज को हम एक पॉइंट P पे लेके आ रहे हैं, और P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो R1 है, P पॉइंट की जो लोकेशन है ओरिजिन से दैट इज R1, और उस पे जो पोटेंशियल है उस पॉइंट पे दैट इज V R1 क्या है, इसका पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम वर्क डन निकालेंगे, वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्ज Q1, वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 एट पॉइंट P इन ए फील्ड, इन एन एक्सटर्नल फील्ड, और इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो कितना है, दिस मच। तो वर्क डन चार्ज Q1 लेके आए, फर्स्ट चार्ज Q1 लिख लीजिए, ठीक है, वो मैटर नहीं करता, VR1। तो ये हमारा क्या होगा बेटा, वर्क डन होगा, एंड दिस वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। फर्स्ट चार्ज को लाने में जो वर्क हुआ वो किस फॉर्म में स्टोर हो जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, दैट्स इट। वन चार्ज सिस्टम, सिंगल चार्ज सिस्टम की बात की, अगर मैं बात करता हूं बेटा टू चार्ज सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू चार्ज सिस्टम, इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, एक ऐसे रीजन में दो चार्ज को लेके आना है बेटा, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। तो फर्स्ट चार्ज Q1, और इसको मैं कहाँ पे लेके आया, एक पॉइंट पे लेके आया जिसका पोजीशन वेक्टर R1 था, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना था, VR1। सेकंड चार्ज को मैं लेके आऊँगा अनदर पॉइंट से Q, हैविंग पोजीशन वेक्टर R2, और उस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या है, R2, ठीक है। इन दोनों पॉइंट पे लेके आना है, रिस्पेक्टिव पोजीशन मैंने आपको बताई। तो W1 क्या है बेटा, फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क डन, फर्स्ट चार्ज को जो मैं लेके आ रहा हूँ, वर्क डन कितना होगा, Q1 इंटू VR1, दिस मच। किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। सेकंड वर्क डन, सेकंड चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा, Q2 VR2, किसकी वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। प्लस जब हम सेकंड चार्ज को लेके आ रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट चार्ज भी आ चुका अपने प्लेस पे, तो एक और वर्क डन करना पड़ेगा W3। तो ये जो वर्क डन है ड्यू टू फर्स्ट चार्ज की प्रेजेंस की वजह से जो पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा Q2 चार्ज को लेके आए, पोटेंशियल क्या होगा फर्स्ट चार्ज की वजह से, जैसा हम पहले केस में निकालते थे, फर्स्ट चार्ज की वजह से 1/4πε0 Q1/R12। तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूंगा तो वो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन बनेगा, एंड दैट इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी। तो U कितना आएगा बेटा इस क्वेश्चन में, U इज इक्वल टू W फर्स्ट वन, Q1 VR1 प्लस Q2 VR2। ये दोनों वर्क डन तो आप समझ पा रहे हैं एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है, और ये सेकंड चार्ज को लाए तो फर्स्ट चार्ज प्रेजेंट था ऑलरेडी,
उसकी वजह से 1/4πε0 q1 q2 upon r 1 2, दिस इज द फाइनल रिजल्ट। ठीक है बेटा, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।